मेरा नाम फरवा तसदुक है, मैं फ़ाउंडर हूँ वन अर्थ टॉयज़ की। हम ऐसे खिलौने बनाते हैं वन अर्थ टॉयज़ में जो कि कुदरती मटेरियल से बने होते हैं, ताकि बच्चे उनके साथ आसानी से खेल सकें बग़ैर किसी नुकसान के। इसके अलावा ये माहौल को भी बचाते हैं। मैं डाइस फेलोशिप का हिस्सा हूँ। मुझे इसके बारे में ब्रिटिश काउंसिल में एक इवेंट हुआ था टेडेक्स वुमेन का, उसमें हमने स्टॉल सेटअप किया था। तो वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल की एक एम्प्लॉई थी, उन्होंने बताया कि इस तरह से डाइस फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और उसमें वो लोग क्रिएटिव और सोशल इंटरप्राइजेज ढूंढ रहे हैं जो कि जिनको प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान में। उसका उन्होंने एप्लीकेशन का बताया कि कब से स्टार्ट हो रही है। जब वो स्टार्ट हुई तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, उसका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था वो मैंने फिल किया। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे जो है कॉल की फॉर प्रेजेंटेशन, वो मैंने दी, इंटरव्यूज़ हुए और फाइनली उसमें जो है मेरी लाहौर से सिलेक्शन हुई। जब मैं डाइस फेलोशिप का हिस्सा बनी तो मेरी ये तवक्कुआत थी कि उसमें हम लोगों को बहुत एक्सटेंसिव कोर्स के थ्रू लेके जाया जाएगा और उसमें हमें सारी जो एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए हमारी कैपेसिटीज़ बिल्ड की जाएंगी एज एन इंडिविजुअल और इसके अलावा एज एन इंटरप्राइज भी एक टीम के साथ। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसमें उन्होंने खाली मुझे नहीं सिलेक्ट किया बल्कि मुझे इनकरेज किया कि मैं अपने बाकी टीम मेम्बर्स को भी उसमें साथ में लेके आऊँ और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करूँ। डाइस फेलोशिप का सबसे यादगार जो लम्हा था वो मेरे लिए वो था फर्स्ट सेशन था, जिसमें उन लोगों ने हमें, जो हमारे मेंटोर्स थे, उन्होंने हमें जौहरी विंडो करवाई। और उसमें ये था कि जो टीम मेंबर्स हैं एक ही एंटरप्राइज में वो कितने एक दूसरे से ओपन हैं और कितने क्लोज़ हैं। तो उसमें जो हम लोगों ने, मैंने और मेरी जो टीम मेंबर हैं फातिमा, हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि फातिमा बहुत ज़्यादा ओपन है और मैं शायद उतनी नहीं हूँ। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने एक दूसरे को फाइंड आउट किया कि हम लोगों की कहाँ कैपेसिटीज़ हैं अपनी आप को इम्प्रूव करने के लिए। एक चीज़ जो डाइस फेलोशिप में हमने सीखी हुई है कि एक जो फाउंडर है वो इनफ नहीं है, आपके एंटरप्राइज़ को आपने इस तरह से डेवलप करना है कि आपके बगैर भी वो चल सके। तो उसके लिए सिस्टम्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मैंने तकरीबन उसी वक्त से काम शुरू कर दिया था, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि किस तरह से मैंने अपनी टीम को आगे लेके चलना है ताकि अगर मैं ना भी हूँ तो जो वन अर्थ टॉयज़ है वो आगे कंटिन्यू करता रहे।